सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो गाइज, जो भी चैनल पे नया है, सबसे पहले जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे भी और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जैसे डे बाय डे रूल्स चेंज होते रह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना, और मेरी लाइफ में भी बने रहने के लिए आप मेरी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करो। तो जैसा कि आपने कल रात मेरी वीडियो देखी होगी, है ना, जो मैंने डाली, जिसपे आपने देखा होगा कि जो फ्यूचर सीईओ ही लेके बैठे हैं उनको क्या हो रहा है। अब मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। तो गाइस, अब क्या हो रहा है, एम्बेसी भेज रही है सबको नॉइस। नॉइस क्या है? नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कैंसिल वीज़ा, ठीक है। वो आपका इंटेंशन देख रहे हैं कि वीज़ा कैंसिल, जैसे कि होम ऑफ अफेयर्स क्या देखते हैं आपके, जैसे ये देखो, ये वीज़ा है, इस पर सारी कंडीशन है, ठीक है। ये सारी कंडीशन जब आपको वीज़ा मिलता है, ये सब आपको मैच करनी है। पहले लोग क्या कर रहे थे, अभी सिस्टम चल गया था, उससे लोग हो भी गए, कोर्स भी पूरा कर लिया, साइड बाई साइड सीओई ले ली। वो एक तरीका था जो यहाँ पे एजेंटों ने निकाला, बट वो एक लीगल तरीका नहीं था, ठीक है। उससे लोग बच गए, एक ट्रेड कोर्स ले लिया, सीओई फ्यूचर सीओई ले ली और हो गया कोर्स, स्किल असेस्ट करा ली, पीआर हो गए, वो जो हो गए वो बच गए। बट भाई वही है ना, एक चीज़ हर लिमिट तक हो सकती है, एट द एंड आप फंसोगे, मतलब एट द एंड आप पकड़े ही जाओगे जब वो चीज़ ह्यूज नंबर्स में होगी। तो अभी क्या हुआ, अब ह्यूज नंबर्स में ये चीज़ देखी गई कि सारे बच्चे आगे फ्यूचर से लेके कोर्स लाइक ट्रेड कोर्स लाइक कुकरी, पेंटिंग, है ना, फैब्रिकेशन, ये सब ले रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है नुकसान, है ना, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और एक ह्यूज नंबर में उनको दिख रहा है कि यहाँ पे लोग का होगा इंटेंशन काम करने के लिए, तो इससे बहुत नुकसान हुआ। मगर अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये नॉइस आपको मिल गया है। अगर जिन लोगों के पास भी नॉइस का मेल आ गया, जो भी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जिन्होंने सीओई ले लिया उनको मेल आ गया, तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट के पास जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं सोचने जाना है, और आपको इमिग्रेशन को ये पर्पस बताना है कि आपने क्यों चेंज किया, किस वजह से किया, आप गलत गाइड हुए, या फिर कुछ रीजंस जो आप दे सकते हो कि हाँ इस वजह से मैंने चेंज किया, ये किया, तो आपका वीज़ा कैंसिल होने से बच सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहोगे, ठीक है, ये सर्कल है, ये सारे वो है, क्या बोलते हैं, कोर्स, कि कौन से कोर्स में आप आए हो, कौन सा डिग्रेड कर रहे हो। जैसे आप मास्टर्स में आए हो, आप सर्टिफिकेट 3-4 में यहाँ पे जाओगे तो इनको पता चल जाएगा, और वो डाउनग्रेड कर रहे हो, ठीक है। डाउनग्रेड जब भी आप करोगे आपके लिए नुकसान रहेगा, और वो हमारी वीज़ा 8202 में कंडीशन है ही नहीं, ठीक है। हमारे वीज़ा में एक कंडीशन होती है जो आपको यहाँ दिख रही होगी, अभी यहाँ पे एक ये कंडीशन है कि आप चेंज नहीं कर सकते। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, तो मीट कोर्स रिक्वायरमेंट वीज़ा कंडीशन 8202, ठीक है। दिस कंडीशन मीन दैट यू मस्ट बी एनरोल्ड इन अ फुल टाइम कोर्स, ठीक है, फुल टाइम कोर्स एंड सेटिस्फाई द कोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एनरोलमेंट इंक्लूडिंग द कोर्स लेवल, ठीक है, लेवल की बात आ गई, कोर्स प्रोग्रेस एंड कोर्स अटेंडेंस। प्रोग्रेस कि आप पास कर रहे हो सेमेस्टर आपकी, और अटेंडेंस, ठीक है, कि आप अटेंडेंस जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये भी एक होम ऑफ अफेयर्स ये भी देख रहा है कि आपकी अटेंडेंस कितनी है, अनलेस बाकी आप पूरा इस पर पढ़ सकते हो, ये मैंने यहाँ पे साइड में लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो ये सर्टेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और जिनके पास नॉइस आ चुका है, जिनके पास मेल आ गया है, वो कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एक आप भी जाके अपने माइग्रेंट एजेंट के पास जाओ, हैं, इमिग्रेशन एजेंट के पास, उससे जाके बात करो, कंसल्ट करो, कोई भी टाइम वेस्ट मत करो। अभी भी आपकी फाइल बच सकती है, इंपोर्ट वगैरह नहीं होगी, आप कैंसिल नहीं होगा वीज़ा। तो अभी जल्दी से जिनके पास भी आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया में जो है, और जो आके चेंज कराने, भाई वो तो भूल जाओ, अभी बिल्कुल चेंज मत कराना। जैसे अभी वाइब चल रही है, थोड़ा वेट करना, देखना, जैसे कि अब तो हर दो दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो थोड़ा वेट करना ना, बाकी अगले देखते हैं आगे क्या होता है। बस अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन थी, और पैनिक मत हो, कल की वीडियो डालने के बाद मेरे को इतने मैसेज आए कि आप नेगेटिविटी फैला रही है। भाई मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मेरा मोटिव तो यही है जितने बच्चे यहाँ पे आए सेट हो, मगर एक तरीके से, ठीक है। अब मेरा कोई इसमें पर्सनल मोटिव है नहीं, आप आओ, कोई भी आओ यहाँ पे, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है। तो ये ऐसे नेगेटिव कमेंट भी आप मत करो कि आप नेगेटिविटी, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मेरे शुरू से यही मोटिव है कि आपको मोटिवेटेड करके रखूँ, तो आपका करियर भी बने, आपकी फैमिली के लिए भी आपका अच्छा रहे। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हरे कृष्णा।